हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएम लव। आज का हमारा वीडियो है कि अगर इस विटामिन की आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो इससे आपके बाल झड़ जाते हैं, आपकी हड्डियों का चूरमा बन जाता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाती है और आपकी सारी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी हमें कमी नहीं होने देना चाहिए आपके बॉडी में, और कौन सा विटामिन है जिसे हमें पूरा करना चाहिए, और इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या देना चाहिए, और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी में इस विटामिन की कमी हो गई है, तो ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट आपकी कि आपकी बॉडी के लिए हर विटामिन या मिनरल होते हैं वो सब जरूरी होते हैं, सब विटामिन जरूरी होते हैं आपकी बॉडी में, किसी भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। और जो विटामिन डी होता है उससे अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है उसकी, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे आपको पीठ की दर्द शिकायत हो सकती है, आपके जोड़ों में पेन हो सकता है, और बहुत सारे जैसे आपके नाखून बहुत कमजोर हो जाते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और बाल झड़ते हैं क्योंकि वो भी हमारे कैल्शियम से ही बनते हैं। तो विटामिन डी की कमी हमें हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, लेकिन धूप में हम ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि सर्दी में हम धूप में विटामिन डी ले सकते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं ले सकते हैं। और पूरा विटामिन डी होता है, पूरी पूर्ति आपको धूप से नहीं हो सकती, आपको खानी भी पड़ेंगी कुछ चीजें जिससे आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। तो इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। फर्स्ट होता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान रहेगी, आप कुछ भी काम ना करें लेकिन फिर भी आपको पूरे दिन थकान रहेगी, आपकी कमर में बहुत दर्द होगा, आपके जैसे आपको कभी कमर में दर्द नहीं हुआ लेकिन आपके कमर में दर्द रहेगा, तो ये भी इसका कारण है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। आपके हर जोड़ों में दर्द होगा, कभी इस जोड़ में दर्द हो रहा है, कभी इस जोड़ में दर्द हो रहा है, आपके हर जोड़ों में दर्द होगा, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। आपको तनाव महसूस होगा, आपको थकान के साथ साथ आप तनाव में भी रहेंगे, तो ये भी कारण है कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। या फिर आपको कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो वो आपका जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इन सब चीजों को, अगर सारी चीजें हो रही है तो आप इन चीजों को देख के आप जांच करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। या फिर विटामिन डी की पूर्ति करने वाले खान पान होते हैं, खाने पीने की चीजें होती है, वो खा के इसकी पूर्ति कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे, ये सब चीजें दिखाई दे, थकान होना, हेयर फॉल होना, ये सब, तो आप विटामिन डी की जो चीजें होती है जिससे खाने से विटामिन डी से पूर्ति होगी, वो चीजें आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो विटामिन डी की कमी पूरी करेंगी, तो फर्स्ट है आपका अंडा। तो अंडे में कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं अंडे में, तो आप अंडा खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो, कैल्शियम की कमी है, वो पूरी हो जाएगी इससे धीरे धीरे। नेक्स्ट है आपका कि पालक, तो पालक भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए, इसमें कैल्शियम होता है, आपकी आयरन की कमी दूर करता है, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बाल झड़ना वैसे रोक देगा पालक, तो पालक भी बहुत खाना अच्छा, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है दूध, तो दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो दूध भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और आपकी हड्डियों में दर्द बंद हो जाएगा इससे, और विटामिन डी की कमी भी इससे पूर्ति हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपका पनीर, तो पनीर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए, आप पनीर भी खा सकते हैं, जैसे आप दूध भी पीजिए उसके साथ साथ आप पनीर का भी यूज कीजिए, क्योंकि पनीर में भी कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, इसमें भी पनीर में बहुत सारा कैल्शियम होता है आपकी बॉडी के लिए, जरूर पनीर होता है वो कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है पनीर में, तो पनीर भी खाना स्टार्ट कर दीजिए आप। और नेक्स्ट है आपका सोयाबीन, तो सोयाबीन में भी प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, जिंक, प्रोटीन, बहुत मिनरल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें सोयाबीन में, तो सोयाबीन भी आप खा सकते हैं, सोयाबीन भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो सोयाबीन की जो बड़ी है वो भी आप खा सकते हैं, या फिर आप सोयाबीन दाल होती है उसका भी यूज कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रोटीन होता है, तो जो आपको अच्छी लगे वो खाइए, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जो मैंने ये चीजें बताई है वो आप इसका यूज कीजिए, वो खाइए, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा ये,
क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको कि आपको अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो आपको कैसा पता चलेगा और आपको किन चीजों से पूर्ति होगी। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल चुके हैं आपको। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिए।